दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजां तद्गतं पश्यन्नात्मनाय बहिरोद्भूतं यतः निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमेदं श्रीदक्षिणामूर्तये। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वीर्भ्यः परं मनो मनसः सत्त्वमुत्तमम् सत्त्वादधि महानात्मा महतो व्यक्तमुत्तमम् अव्यक्तात्तु परःपुरुषो व्यापको लिंग एव च यम ज्ञात्वा मुच्यते जन्तुः अमृतत्वञ्च गच्छति। न संदृशे तिष्ठति रूपमस्य न चक्षुषा पश्यति कश्चनैनम् हृदा मनीषा मनसा भी कृप्तो जो एतद् विदुर अमृतास्ते भवन्ति। व्यवहार में एक चीज होती है और मालूम पड़ती है। जैसे ये तुलसी का पत्ता है और मालूम पड़ता है, तो है बाहर और मालूम पड़ता है भीतर। अब यदि इस तुलसी के पत्ते के कारण का हम अनुसंधान करें तो किसी बच्चे से पूछो ये तुलसी का पौधा कैसे पैदा हुआ, तो वो कहेगा अपने बीज में से पैदा हुआ, इतना ही तो दिखाई पड़ता है। पर बीज कहां से पैदा हुआ? पौधे में से हुआ, पौधे में से बीज हुआ और बीज में से पौधा हुआ, इतना मालूम पड़ता है। मालूम पड़ता है भीतर से, हमको मालूम पड़ता है और यह मालूम पड़ता है। अब जब हम कारण का अनुसंधान करने लगते हैं तो इस तुलसी के पौधे में तत्व के रूप से तो पंचभूत मिलता है। जला के राख कर दो, क्या निकलेगा इसमें से? मिट्टी, पानी, आग, हवा, आकाश। तो वो तो तुलसी के पौधे में भी है और दूब में भी है और आम में भी है और अंगूर में भी है, स्त्री में भी है और पुरुष में भी है। जहां तक पंचभूत का प्रश्न है वो तो सब में है। तो ये तुलसी का पौधा पौधा क्यों हुआ, तुलसी क्यों हुआ? बोले भाई एक ऐसा बीज है जिसमें तुलसी के गुण, तुलसी की आकृति है और तुलसी के पत्ते, तुलसी के फूल, तुलसी के फल, तुलसी का तना उस बीज में निहित रहते हैं। उस बीज में से ही निकल के ये तुलसी का पौधा आता है। अच्छा, तो तत्व दृष्टि से क्या पंचभूत से अलग वो कोई बीज नाम की चीज है? अंगूर में भी पंचभूत के सिवाय दूसरी कोई चीज नहीं है, आम में भी पंचभूत के सिवाय कोई चीज नहीं है, परंतु आम, अंगूर और तुलसी और बेला और चमेली, गुलाब, ये अलग अलग हैं। तो अलगाव का कारण क्या है? बीज, बीज संस्कार।
तो अब यदि हम तात्विक दृष्टि से तुलसी का अनुसंधान करेंगे तो तुलसी गई पंचभूत में है, और पंचभूत गए तन्मात्रा में, और तन्मात्रा गई तामस अहंकार में, और तामस अहंकार गया महत्तत्व में, और महत्तत्व जो है वो अव्यक्त में गया। अव्यक्त में जाने के बाद तुलसी, अंगूर, आम, इनकी क्या स्थिति है? तो तात्विक दृष्टि से अनुसंधान करेंगे तो तुलसी में, अंगूर में, आम में स्वाद में भेद होने पर भी, रंग रूप में भेद होने पर भी, आकार में भेद होने पर भी, गुण स्वभाव में भेद होने पर भी, तत्व की दृष्टि से ये पंचभूत हैं, ये तामस अहंकार हैं, ये महत्तत्व हैं, और ये प्रकृति के विलास हैं। जिसको दवा करनी है उसके लिए तुलसी अलग है, जिसको खाना है, स्वाद लेना है, उसके लिए अंगूर और आम अलग हैं। दोनों के गुण अलग हैं, दोनों के धर्म अलग हैं, दोनों के स्वभाव अलग हैं, व्यवहार में दोनों अलग अलग हैं, लेकिन तात्विक दृष्टि से दोनों अलग अलग नहीं हैं। जब उनको अणु दशा में ले जाएंगे या सत्ता दशा में ले जाएंगे तो वहां उनमें कोई भेद नहीं है। इसी प्रकार मालूम पड़ना जो है, इस पर भी विचार करें, इंद्रियों से मालूम पड़ना अलग अलग, गंध अलग, स्वाद अलग, रंग रूप अलग, स्पर्श अलग, शब्द अलग, और मन में इसका मालूम पड़ना अलग, बुद्धि से इसके बारे में निश्चय होना अलग, और सुषुप्ति में इसका लीन हो जाना अलग, न मालूम पड़ना अलग। आप देखोगे तो सारी अवस्थाएं आपके शरीर में जैसी समष्टि में होती हैं वैसी ही व्यष्टि में भी होती हैं। इंद्रियों से मालूम पड़ना है पांच विषयों का, और पांच विषय और पांच इंद्रिय होना, अर्थात इन्हीं पांच विषयों की जो सात्विक तन्मात्रा है उससे इंद्रियों का बनना, और अंतःकरण में बैठ करके मय के द्वारा इनका देखा जाना, और स्वप्न में इंद्रियों के न रहने पर भी इनका देखा जाना, और सुषुप्ति में इनका न देखा जाना लेकिन दृष्टा का होना। तो जैसे हम दृश्य का विचार करते करते, तुलसी के पौधे का विचार करते करते अव्यक्त दशा में पहुंचते हैं, इसी प्रकार इसके दर्शन का विचार करते हुए भी इंद्रियों, मन और बुद्धि के द्वारा हम एक अव्यक्त दशा में पहुंचते हैं। तो महत्तत्व जिसको कहते हैं वो समष्टि की शक्ति और ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति, चराचर का भेद जहां से उत्पन्न होता है कि ये जड़ता है, चलता है और ये अचर है। जैसे मनुष्य है ये चर है, चर प्राणी है, और वृक्ष है का ये अचर प्राणी है। तो ये चराचर का भेद जहां स्पष्ट भासता है, शक्ति के रूप में जहां रहता है, उस ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति के समन्वय को ही महत्तत्व, महत्तत्व बोलते हैं। और संपूर्ण कार्य शक्ति और करण शक्ति और कारण शक्ति और ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति सब जहां एक ही भूत होकर के रहती है उसको अव्यक्त, उसको अव्यक्त बोलते हैं, अव्यक्त। वहां बुद्धि का और बुद्धि के विषय का भेद नहीं है। बुद्धि से जो मालूम पड़ता है सो, और बुद्धि, ये दोनों चीज अव्यक्त में जुदा जुदा नहीं है। तो बुद्धि की अव्यक्तावस्था को जो देखता है, दृश्य की अव्यक्तावस्था को भी वही देखता है, और अव्यक्त दशा में बुद्धि में और दृश्य पदार्थ में कोई भेद नहीं है। जैसे सुषुप्ति में जब हम सो जाते हैं तो तुलसी का पौधा भी नहीं मालूम पड़ता और आंख भी नहीं मालूम पड़ती,
और मन भी नहीं मालूम पड़ता और बुद्धि भी नहीं मालूम पड़ते, तो वहां देखने वाले जो औजार हैं, जो ज्ञान शक्तियां हैं, इंद्रियां हैं, वे भी सुषुप्ति में लीन हो जाती हैं, और न वहां तुलसी दिखती है, न आम दिखता है, न अंगूर दिखता है। न दिखने वाली अवस्था में, न दिखने वाली अवस्था में बुद्धि का और जड़ का भेद नहीं रहता। श्री उड़िया बाबा जी महाराज आगरे में गए थे, हमको स्मरण है, हमारे सामने ही किसी ने पूछा कि महाराज ये संसार तो जड़ है और ईश्वर चेतन है, तो ईश्वर ने यह संसार बनाया है। तो महाराज ने उससे पूछा कि तुमने जड़ देखा है? ये देखो एक एक बात, उसने कहा कि प्रकृति जड़ है, उसके परिणाम से संसार बनता है, उपादान कारण प्रकृति है और निमित्त कारण बनाने वाला ईश्वर है। तो आप तो कहते हो कि सब ब्रह्म है, सब ब्रह्म है, सब ब्रह्म है, तो आप प्रकृति तो जड़ है उसको ब्रह्म क्यों बोलते हो? तो महाराज ने कहा कि तुमने कभी जड़ देखा है? बोले क्या देख रहे हैं, सारा संसार देख रहे हैं, ये तो प्रकृति है। बोले तो ये प्रकृति है कि जड़ है, पहले ये बताओ, प्रकृति और जड़ का विवेक करो। बोले कि महाराज प्रकृति और जड़ में तो कोई भेद नहीं होता, जो प्रकृति सो जड़, जो जड़ सो प्रकृति। बोले कि नहीं, ये जो बुद्धि है उसको तुम क्या मानते हो, जड़ की चेतन? ये जो मन है, ये जो इंद्रियां हैं, जो ज्ञानात्मक हैं, ये जड़ हैं कि चेतन हैं? तो ये तो प्रकाशक हैं, ये तो प्रकाशक हैं, जिनको तुम अपनी इंद्रियों से देखकर जड़ निश्चय करते हो, जिनको तुम अपने मन से जानकर जड़ निश्चय करते हो, जिनको तुम बुद्धि से जान करके जड़ निश्चय करते हो, हैं? वो जड़ नहीं है, वो तो प्रकृति का कार्य है ना, प्रकृति का कार्य है। और ये दोनों ही धारा, इंद्रियां भी प्रकृति का ही कार्य है, मन भी प्रकृति का ही कार्य है, बुद्धि भी प्रकृति का ही कार्य है, ये प्रकृति में से ही दो धारा जब निकलती हैं, क्रिया शक्ति मत सत, क्रिया शक्ति वाला सत और ज्ञान शक्ति वाला सत, तो एक ही सत दो धारा में भासने लगता है, एक जानने वाले जीव के रूप में और एक जाने जाने वाले पदार्थ के रूप में, दृश्य के रूप में। तो ज्ञाता जो मालूम पड़ता है सो, और ज्ञेय जो मालूम पड़ता है सो, इन दोनों का जो भेद है वो मूलतः एक ही प्रकृति की दो धारा है। ये बुद्धि चेतन नहीं है, ये मन चेतन नहीं है, ये प्रकृति की ही धारा में बुद्धि भी है, क्योंकि बुद्धि कभी भासती है कभी नहीं भासती है, मन कभी काम करता है कभी नहीं करता है, इंद्रियां कभी काम करती हैं कभी नहीं करती हैं, तो ये सब के सब दृश्य है ना। तो ये नहीं कि शरीर में बैठी हुई बुद्धि तो चेतन है, इंद्रिय वाला शरीर चेतन है और बिना इंद्रिय वाला शरीर जड़ है, ऐसा भेद बिल्कुल नहीं है। जो बुद्धि आदि की उपाधि से जो चेतन ज्ञाता बना हुआ है, वही दृश्य की उपाधि से ज्ञेय भी बना हुआ है। रज्जु की उपाधि से जो चेतन सर्पाकार भास रहा है, अंतःकरण की उपाधि से वही चेतन भ्रांत भास रहा है। रज्जु में बैठ करके जो चेतन सर्प का अधिष्ठान बना, अंतःकरण में बैठ करके वही चेतन भ्रांति का भी अधिष्ठान बना। असल में चैतन्य जो है, स्वयं प्रकाश अधिष्ठान चैतन्य, वो एक ही है। दृश्योपाधिक चैतन्य भी वही है, ये तुलसी में भी वही तुलसी अवच्छिन्न चैतन्य है, और तुलसी के देखने वाला नेत्र अवच्छिन्न नेत्र, नेत्र और अंतःकरण, अंतःकरण अवच्छिन्न चैतन्य भी वही है। जैसे तुलसी में रहने वाला आकाश
और शरीर में रहने वाला आकाश दो नहीं है। तुलसी में बरतने वाला काल और देह में बरतने वाला काल दो नहीं है। तुलसी में बरतने वाला देश और देह में बरतने वाला देश ये दो नहीं है। इसी प्रकार जो संपूर्ण जगत की जो मूल सत्ता है वो तुलसी के रूप में भी वही बरत रही है और देह के रूप में भी वही बरत रही है। उस अखंड सत्ता में किसी प्रकार का भेद नहीं है। तो जब भेद रहित सत्ता और भेद रहित चेतन इसका जब विवेक करने लगते हैं तो किस विशेषता के कारण चेतन से सत्ता भिन्न है, किस विशेषता के कारण सत्ता से चेतन भिन्न है, यदि इस बात पर विचार करते हैं तो ये भेद जो है वो देश काल वस्तु न होने के कारण, कोई भेदक न होने के कारण एकदम छिन्न भिन्न हो जाता है। इसलिए आओ, अव्यक्त से परे पुरुष है क्रियाशक्ति, समष्टि क्रियाशक्ति और समष्टि ज्ञान शक्ति, जहां काम करती हुई होती हैं उसको महत्तत्व कहते हैं। चेतन शक्ति की प्रधानता से उसका नाम हिरण्यगर्भ होता है और जड़ शक्ति की प्रधानता से, अचेतन शक्ति की प्रधानता से उसका नाम महत्तत्व होता है। लेकिन दोनों मूलतः प्रकृति के ही विलास हैं। अब प्रकृति में क्या विशेषता है? बोले प्रकृति वो चीज है जिससे सारी व्यक्तियां प्रकट होती हैं, बुद्धि रूप, वृत्ति रूप और पदार्थ रूप। माने तुलसी और तुलसी है ऐसी बुद्धि, दोनों जिसमें से प्रकट होती हैं, जिसमें रहती हैं और जिसमें समाती हैं, उसको अव्यक्त बोलते हैं। वो अव्यक्त, वो बीजात्मक, असल में सबीज चैतन्य का नाम ही अव्यक्त है, अव्याकृत है। नाम विशेष आकृति, व्याकृत माने विशेष आकृति, जिसमें प्रकट हो गई उसका नाम व्याकृत, और जिसमें विशेष नाम रूप अभी प्रकट नहीं हुए उसका नाम अव्याकृत। नाम रूप के व्याकरण की पूर्व दशा। तो पूर्व दशा तो कहते हैं काल की दृष्टि से, और अंतर दशा कहते हैं बीज देश की दृष्टि से। बोला ये जो प्रपंच है ना, क्या इसकी पूर्व दशा तो मालूम पड़ेगा ना कि कहीं भूत में होगी, कब प्रकृति में, ये प्रकृति में महत्तत्व कब पैदा हुआ, महत्तत्व में अहंकार तत्व कब पैदा हुआ, अहंकार तत्व में पंचतन मात्रा कब पैदा हुई, ऐसा होता ना, कब 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 लग जाता है। लेकिन भले मानुष ये तो विचार करो कि जैसे इस प्रपंच की उत्पत्ति की पूर्वकालिक दशा की तुम कल्पना करते हो, उसी प्रकार प्रपंच की उत्पत्ति के पूर्व देश की कल्पना क्यों नहीं करते? जिस देश में ये प्रपंच भास रहा है, काल में तो पूर्व काल की कल्पना करते हो, काल में कहीं पूर्व काल, कहीं उत्तर काल, कहीं मध्य काल होता है। तो जैसे कार्य कारण कल्पना की दृष्टि से काल में पूर्वता कल्पित होती है, पदार्थ की दृष्टि से जब घड़ा पैदा हुआ तब उसमें पूर्वावस्था और उत्तरावस्था कल्पित हुई, घड़ा न हो तो पूर्वावस्था उत्तरावस्था क्या है। लेकिन इसके साथ ये देखो कि जैसे किसी भी कार्य की पूर्वावस्था होती है, वैसे किसी भी कार्य की है ना का पूर्व देश भी होता है। कहां पैदा हुआ? बोले उस समय तो देश में कहां का भेद ही नहीं था। अच्छा, किस बीज, किस वस्तु से पैदा हुआ? तो हम एक बीज की जैसे कल्पना करते हैं, वैसे एक अंतरदेश की और एक पूर्व काल की भी कल्पना करते हैं। ये समग्र सृष्टि कहां पैदा हुई? का अंतरदेश में। का ये समग्र सृष्टि कहां पैदा, कब पैदा हुई? का बोले पूर्व काल में। का ये समग्र वस्तुएं किससे पैदा हुई? का अपने बीज से। देखो, वस्तुओं के भेद के लिए बीज की कल्पना और स्थान के लिए अंतर की कल्पना और काल के लिए पूर्व की कल्पना, जिसको अनादि बोलते हैं, आदि बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं ना, ये सब बड़े बड़े तमाशे हैं।
तो अब इन तीनों को एक में मिला दो। सृष्टि पूर्व काल में हुई है यह बात हम मानने को तैयार हैं, लेकिन कहां हुई है? बहिर्देश में नहीं हुई है, अंतरदेश में हुई है। बोला कहा अपने बीज से हुई है यह बात हम मानने को राजी हैं, परंतु वो बीज अन्य देश में नहीं है, अंतरदेश में है। का असल में उस बीज में ही अंतरदेश की कल्पना और बहिर्देश की कल्पना है, उसी में पूर्व काल और उत्तर काल की कल्पना है, और कल्पित देश और काल में ही बीज की कल्पना है। ये गड़बड़ झाला है ना। कल्पित देश में बीज है, कल्पित काल में बीज से उत्पत्ति है, और उस कल्पित बीज में ही देश काल में परिच्छेद की कल्पना है। इस प्रकार देश काल और बीज ये तीनों तीन नहीं है, कल्पना है, और ये कल्पना जिसमें है और जिसको भास रही है, तो जिसमें है और जिसको भास रही है उसको ईश्वर बोलते हैं। बोला जिसने ये कल्पना की है और जिसमें ये भास रही है उसका नाम ईश्वर होता है, और जिसने की नहीं है, जिसको केवल भास रही है, उसका नाम दृष्टा होता है। और दृष्टा और ईश्वर चूंकि दोनों ही नहीं है, इसलिए भासते हुए भी है ना नारायण। न तो दृष्टा किसी करण के द्वारा दृष्टा है, और न तो ईश्वर किसी बीज के साथ किंचित भी संपृक्त है। तो ईश्वर की तो है कल्पना, ईश्वर में यही विशेषता है कि उसने बीज देश, बीज काल और बीज वस्तु की कल्पना उसमें है, और दृष्टा की यह विशेषता है कि यह कल्पना करता नहीं है, केवल देखता है। तो यह भी कल्पना के द्वारा ही दृष्टा और ईश्वर का विवेक। अब देखो, चूंकि दृष्टा की दृष्टि में ही देश है, इसलिए उससे लंबा चौड़ा और कोई नहीं। चूंकि दृष्टा की दृष्टि में ही काल है, इसलिए उससे बड़ी उम्र और किसी की नहीं। और चूंकि दृष्टा की दृष्टि में ही बीज है, इसलिए उससे पृथक सत्ता और कोई नहीं। इसका अर्थ यह हुआ कि दृष्टा जीव, ईश्वर और जगत की कल्पना देश काल और वस्तु की कल्पना से अछूता अद्वय ब्रह्म ही है ये दृष्टा, इसका अभिप्राय यह निकला। तो बात कभी कभी ना कोई ऐसी होती है जिसको सब समझें, और कभी कभी कोई बात ऐसी होती है जिसको कोई खास खास लोग समझें। हमको एक महात्मा ने बताया था कि भिक्षा करने के लिए रोज जाना, परंतु जितने घर पड़े उनमें से रोज भिक्षा मिले, सब घरों में से जितने घर रास्ते में पड़े सब घर वाले हमको भिक्षा दें, ये ख्याल नहीं करना। जिस घर से मिल गई बहुत है, आराम निकलते रहो, रास्ते से नारायण हरि बोलते रहो, है ना। कभी कोई भिक्षा देता जाएगा। ऐसे सत्संग करने रोज जाना। आप लोग अब अपने को भिखारी मानना तो पसंद नहीं करोगे, है ना। लेकिन ये जो शास्त्र हैं, ये जो शब्द हैं, है ना, ये जो वाक्य हैं, ये अपना अर्थ देते हैं। जैसे गृहस्थ अपने कमाई का अर्थ है ना, चार पैसा, चार रुपया भिखारी को देता है, ऐसे ये जो शास्त्र हैं, ये अपना अर्थ वक्ता को भी देते हैं और श्रोता को भी देते हैं। वक्ता जैसे थोड़ी देर के लिए मैनेजर बन गया हो, है? और श्रोता जो है उस अर्थ को ग्रहण कर रहे हों। तो जैसे मधुकरी कभी किसी के घर मिलती है, कभी किसी के घर नहीं मिलती है, ऐसे ये शास्त्र भी अपना अर्थ कभी किसी को देते हैं और कभी किसी को नहीं भी देते हैं। परंतु यदि प्रतिदिन हम सत्संग करते रहें, हैं, तो एक न एक दिन इनसे अर्थ जो है वो मिलेगा ही मिलेगा। अब देखो, अव्यक्त शब्द का अर्थ आपको सुनाते हैं। व्यक्त की पूर्व दशा का नाम अव्यक्त है, और व्यक्त के पूर्व देश का नाम अव्यक्त है, और व्यक्त की
व्यक्त जो वस्तु है, कार्य है, उसके बीज का नाम, उसकी पूर्वावस्था का नाम, उसकी पूर्वावस्था का नाम अव्यक्त है। अव्यक्त वो जहां देश काल वस्तु चर अचर कार्य करण इनका कोई भेद मालूम नहीं पड़ता, उसको बोलते हैं अव्यक्त। व्यक्ताद व्यतिरिक्तः, जो व्यक्त से व्यतिरिक्त है उसको अव्यक्त बोलते हैं। आप देखो गीता में दो अव्यक्त का वर्णन है। अब एक बार गीता की ओर आपका ध्यान खींचते हैं। अव्यक्ताद व्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्यः रागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्त संज्ञके भूतग्रामस्स एवायम् भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे वस पार्थ प्रभवन्त्यः रागमे। तो भूतक प्रभवत्यह रागमे भूतग्राम सेवायम भूतवा भूतवा प्रलियते रात्र्यागमे बसह पार्थ प्रभवत्यह रागमे। दिन आया तो सब अव्यक्त से निकल आया, और रात आई तो सब अव्यक्त में लीन हो गया। प्रकाश हुआ तो सब दिखने लगा, और अंधेरा हुआ तो सब छिप गया। ये अव्यक्त नाम दिया। अव्यक्ताद व्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्ते, अव्यक्त से सारी व्यक्तियां प्रकट होती हैं, और तत्रैव अव्यक्त संग के लीयन्ते, और उसी अव्यक्त में लीन होती हैं। तो अब देखो एक अव्यक्त तो वो हुआ है जिसमें सृष्टिग्राम भूतग्राम लीन होता है और निकलता है, लीन होता है और निकलता है, एक अव्यक्त तो वो हुआ। एक दूसरा अव्यक्त और भी है, वो कौन सा है? परस्तस्मात्तु भावोन्यो अव्यक्तो व्यक्तात् सनातनः तस्माद् अव्यक्तात् परः अन्यो भावः अव्यक्तः। उस अव्यक्त से परे एक अन्य भाव है जिसको अव्यक्त कहते हैं। अब दोनों में फर्क करना पड़ेगा, विवेक करना पड़ेगा कि नहीं। तो ये अव्यक्त तो चैतन्य हुआ, ब्रह्म हुआ। ये जो बीज काल, बीज देश और बीज वस्तु के ऐक्य रूप अव्यक्त है, उस अव्यक्त से विलक्षण एक अव्यक्त और हुआ। माने कारणात्मक अव्यक्त से पृथक एक अकारणात्मक अव्यक्त है। ये क्यों भाई? परस्तस्मात्तु भावोन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः। जस सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति, वो अविनाशी है, वो अव्यक्त अविनाशी है। अच्छा, दृष्टा है, संपूर्ण प्राणियों का अधिष्ठान है, ऐसा है वो अव्यक्त। तो ये मालूम पड़ता है कि जैसे प्रकृति से परे कोई ईश्वर हो, अधिष्ठान हो प्रकृति का, उसका निरूपण किया जा रहा है। लेकिन गीता में अव्यक्त शब्द का प्रयोग अपने लिए है। कहा अव्यक्तो यम चिंत्यो यम अविकार्यो यमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुम् अर्हसि। अपने आप को जानो, अव्यक्तो यम चिंत्यो यम अविकार्यो यमुच्यते। ये व्यक्त प्रपंच से विलक्षण है, ये चिंत्य चिंतात्मक प्रपंच से विलक्षण है, ये स्थूल से विलक्षण, सूक्ष्म से विलक्षण, और अभिकार्यो यमुच्यते, ये विकार्य प्रपंच से माने कारण से भी विलक्षण है, स्थूल से विलक्षण, स्थूल से विलक्षण और कारण से भी विलक्षण। अयम अयम माने यह माने अपना आपा, और अपने आप को जब तुम ऐसे जान जाओगे कि न स्थूल मेरा है, न स्थूल मैं हूं, और न स्थूल सच्चा है, न सूक्ष्म मेरा है, न सूक्ष्म मैं हूं, और न सूक्ष्म सच्चा है, और न कारण मैं हूं, न कारण मेरा है, और न कारण सच्चा है। इसका अर्थ हुआ कि स्थूल सूक्ष्म कारणात्मक जो प्रपंच है वो न मैं हूं, न मेरा है, और न तो वो सच्चा है, वो केवल भास रहा है।
ऐसे हो तुम, ऐसी तुम्हारी महिमा। तो अव्यक्ता तू परह पुरुषो, ये जो जिसका वर्णन किया अव्यक्त रूप से, न विद्यते केनापि प्रमाणेन। हे भगवान, बहुत आदमी दुखी इसलिए होते हैं कि हाय हाय ये आत्मा हमको दिखा नहीं, इसका दर्शन नहीं हुआ। बहुत आदमी दुखी होते हैं, एक आदमी को अपना नाम भूल जाए, कल्पना करो अपना नाम भूल जाए, और कोई पुकारे कि वो सोहन वो मोहन, और सोहन मोहन को अपना नाम भूल गया हो, तो बोलेगा ठहरो ठहरो अभी मैं ढूंढ के ले आता हूं। अब उस सोहन मोहन को ढूंढने के लिए गांव में जाए तो गोद में बालक शहर में ढिंढोरा है, तो वो खुद मोहन खुद सोहन, और वो ढूंढने के लिए बाजार में जाता है। कंठ चामी करवत, हार गले में है और ढूंढ रहे हैं बाजार में, खुद है ढूंढने वाला, खुद है देखने वाला, लेकिन वो देखना चाहता है। अष्टावक्र गीता में एक ऐसा श्लोक है, वो अयम एवहि ते बंधा आत्मानम द्रष्टारम पश्यसी तरम। तुम्हारे लिए बंधन क्या है? कब बंधन ये है कि तुम इस दृष्टा को अपने से कोई न्यारा समझ करके इसको देखना चाहते हो, देखने वाले तुम हो, और श्रुति इसी देखने वाले को बता रही है कि अव्यक्त का भी दृष्टा होने के कारण ये ब्रह्म है। तो इस बात पर तो ध्यान जाता नहीं, बोले हमने हमारे कंधा ही नहीं है, कंधा नहीं है हमारे, हो क्यों? बोले हम कभी बैठे तो हैं नहीं, दूसरे के कंधा है उस पर तो हम बैठते हैं, लेकिन हमारे कंधा है ना, ये तो तब सिद्ध होए ना कि जैसे हम दूसरे के कंधे पर चढ़ के बैठ जाते हैं, वैसे अपने कंधे पर हम चढ़ के बैठ जाएं तब पता लगे कि हाँ हमारे कंधा है। तो जैसे कर्ता को कर्म बनाना ये अशक्य है, इसी प्रकार दृष्टा को दृश्य बनाना ये अशक्य है। ये वेदांत का सिद्धांत है, दृष्टा दृश्य कभी नहीं होगा, वो तो कहता है तुम दृष्टा हो, तुम ही सबको देख रहे हो। कि बोले हम तो अज्ञानी हैं। अरे राम राम, अज्ञानी को तुम जानते हो तो तुम अज्ञानी कहां हुए? घड़े को तुम जानते हो तो तुम घड़े से न्यारे, अज्ञानी को तुम जानते हो तो अज्ञानी से न्यारे। बोले हमने दृष्टा को देख लिया, कि जिसको तुमने देख लिया उससे तो तुम न्यारे हो। अगर कभी भी तुमको ऐसा मालूम पड़े कि हमने दृष्टा को देख लिया तो समझना कि तुमने दृष्टा को नहीं देखा। अभिज्ञातम विजानताम, विज्ञातम अभिजानताम। जो ये दावा करते हैं कि हमने दृष्टा को देख लिया हैं, वो उन्होंने दृष्टा को नहीं देखा। अभिज्ञातम विजानताम, जो दावा करते हैं कि हमने जान लिया, उन्होंने नहीं जाना। तो जो जानने वाला है वो खुद ही तो है ना, वो खुद ही है। तो सौ सौ श्रुति, सौ सौ महात्मा है ना, अनादिकाल से ये उद्घोष करते आए हैं। ये तो जैसे कोई स्विच नीचे कर दे हो और झट बिजली जल जाए, ऐसी ये बात है कि गुरु ने कहा कि अरे तुम ही तो हो, और इसके बाद मैं जीव हूं ये ख्याल कभी भ्रम से भी न बने, स्वभूल के भी न बने, स्वप्न में भी न बने। कहां हो तुम जीव? तुमने अपने को कभी जीव होते देखा है? तो अव्यक्ता तु परः पुरुषः व्यापको लिंग एव चो। ये जो अव्यक्त है, अव्यक्त है माने जहां सब लीन हो जाता है, उस दशा से भी परे। अव्यक्त माने जहां काल में भूत भविष्य वर्तमान नहीं रहता, जहां देश में बाहर भीतर अंतराल नहीं रहता, जहां वस्तु में कार्यकरण करता नहीं रहता, वस्तु में जहां कार्यकरण कारण नहीं, तीन चीज, कार्यकरण कारण नहीं, और देश में अंतरदेश बहिर्देश और अंतराल देश नहीं, और काल में जहां भूत भविष्य वर्तमान नहीं, ऐसा जो अव्यक्त है, क्योंकि ये तीनों सापेक्ष हैं, हो
बिना देश काल के वस्तु की सिद्धि नहीं होती और बिना वस्तु के देश काल की सिद्धि नहीं होती। ये तो अन्योन्य आश्रित है। जैसे चोर का गवाह चोर नहीं हो सकता, आप जानते हैं ना है? एक चोर से किसी ने कहा कि भाई तुम गवाह दो कि तुम उस समय चोरी नहीं कर रहे थे, तो उसने दूसरे चोर का नाम बताया कि उस समय तो हम उसके साथ थे। तो दूसरे चोर से पूछा गया कि भाई तुम साहूकार हो, इसमें क्या प्रमाण? बोले वो दूसरे हमारे भाई से पूछ लो, उस समय तो हम उसके साथ थे। तो चोर का गवाह चोर नहीं हो सकता, दृश्य को सिद्ध करने वाला दृश्य नहीं हो सकता। दृश्य से दृश्य की सिद्धि नहीं होती है, अन्य से अन्य की सिद्धि नहीं होती है, हमसे सबकी सिद्धि होती है। देश से वस्तु की सिद्धि नहीं होती और वस्तु से देश की सिद्धि नहीं होती, क्योंकि दोनों चोर हैं। तो दोनों चोर क्यों हैं? दोनों दृश्य हैं, एक किस्म के हैं दोनों। काल से वस्तु की सिद्धि नहीं होती और वस्तु से काल की भी सिद्धि नहीं होती, क्यों? दोनों दृश्य हैं, दोनों दृश्य हैं, दोनों सापेक्ष हैं। अपना आपा बोले ये तीनों रहें अथवा तीनों मिलके एक हो जाएं, अथवा अधिष्ठान के ज्ञान से तीनों का बाध हो जाए, परंतु अपना बाध नहीं हो सकता। कोई माई का लाल दुनिया में आज तक नहीं पैदा हुआ ऐसा जो ये सिद्ध कर दे कि मैं नहीं हूं, अपने बारे में ये सिद्ध कर दे कि मैं नहीं हूं। और आप जानते हैं दुनिया की कोई ठोस से ठोस चीज आजकल का वैज्ञानिक उसको तोड़ देगा है? उसको अणु बना देगा, उसको अणु का भेदन कर देगा, शक्ति बना देगा। शक्ति शांत और उदित दो अवस्था में चली जाएगी, लेकिन मैं नहीं हूं ये कोई सिद्ध नहीं कर सकता। ये घड़ी नहीं है ऐसा सिद्ध हो सकता है? बोला कैसे? क्रिया से। ये आंख नहीं है ये सिद्ध हो सकता है, परंतु मैं नहीं हूं ये अनुभव की प्रणाली में है ही नहीं। तो मैं जो है इसका नास्तित्व तो कभी सिद्ध नहीं होता, न पूर्व में न आज न आगे, और बाकी जो चीजें हैं उनका नास्तित्व हमारे सामने सिद्ध होता है। सब मैं के सामने पैदा होते और मर जाते हैं, लेकिन सबके पैदा होने के पहले भी मैं है और सबके मरने के बाद भी मैं है। तो अव्यक्तात्तु परः पुरुषो, अव्यक्त से परे है पुरुष। पर का अर्थ आप जानते हैं, पर माने प्रकाशक और पर माने अधिष्ठान। विपर्ति इति परः प्रिय पालन पूरणयो, जिस अधिष्ठान की सत्ता से अध्यस्त की सत्ता मालूम पड़ती है उसको पर बोलते हैं, जिस दृष्टा की सत्ता से दृश्य की सत्ता मालूम पड़ती है उसको पर बोलते हैं। इसमें यह नहीं कि दृश्य होवे, दृश्य मालूम पड़े इतना ही अपेक्षित है। यदि आप कहो कि आकाश की नीलिमा मिटा के तब हम ये समझेंगे कि आकाश नीरंग है, आकाश रंग रूप से रहित है, ये बात हम कब समझेंगे? कि जब आकाश नीला नहीं दिखेगा तो क्या आप आकाश को कभी समझ सकेंगे कि आकाश निराकार है? अरे भाई ये तो नेत्र तुम्हारा आकाश की पूर्णता को ग्रहण नहीं कर पाता, इसलिए नेत्र के अग्रहणात्मक दोष के कारण वो नीला दिखता है। इसी प्रकार तुम्हारी बुद्धि अद्वितीय ब्रह्म को ग्रहण नहीं कर पाती, इसलिए बुद्धि को ये अग्रहणात्मक रूप दोष से प्रपंच का दर्शन होता है। जब तक बुद्धि रहेगी जब तक प्रपंच का दर्शन होगा, और जब बुद्धि भी नहीं रहेगी, सुषुप्त में बुद्धि नहीं रहती है, तो प्रपंच का दर्शन नहीं होता है। तो ये प्रपंच का दर्शन और अदर्शन कराने वाली बुद्धि क्या है? बोले तो नन्ही बच्ची है तुम्हारे अंदर दिखती है। बोले भाई तुम कई बरस के हुए तब ये बुद्धि पैदा हुई है, और कई बरस के होगे तब ये मर जाएगी। अरे भाई तुम्हारी उम्र ही नहीं है, जब उम्र ही नहीं है तो उसमें बुद्धि की उम्र कहां से आवेगी? अविनाशी में कल्पित जो कालांश उसमें बुद्धि की उत्पत्ति और प्रलय होता है,
और परिपूर्ण में कल्पित जो देशांश उसमें बुद्धि की उत्पत्ति और मृत्यु होते हैं है? और सन्मात्र अखंड वस्तु में कल्पित जो बीजांश उसमें संस्कार होती बुद्धि का जन्म और विनाश होता है। इसलिए बुद्धि नाम की चीज तो तुम्हारे दृष्टा स्वरूप में स्वयं प्रकाश स्वरूप में तुम्हारे अधिष्ठान स्वरूप में है ही नहीं। वेदांत जो है वो तुमको ब्रह्म बताने के लिए है, ब्रह्म बताने के लिए। तो पुरुषः परः पुरुषः अपनी सत्ता से ही दृश्य को पूर्ण करता है। पूरण को बोलते हैं, वो पूरण को बोलते हैं पर। पूरण क्या होता है? संख्या को पूरण बोल, पूरण प्रत्यय होता है। जैसे आप एक तो दस होता है और एक दशम होता है, तो दस में और दशम में फर्क होता है कुछ? आप ध्यान दो तो आपको भाषा। दस आदमी है और दसवां आदमी है, इसमें दस और दसवां, दस और दशम है? जैसे सप्त और सातवां, सात और सातवां, आठ और आठवां, नौ और नौवां, दस और दसवां है? इसमें आपको फर्क मालूम पड़ता है? तो वो जो दस, दस शब्द तो दस आदमियों का वाचक है और दसवां उस आदमी का वाचक है जिसके बिना वो दस नहीं रहेंगे, नौ हो जाएंगे है? दसवां ये उस आदमी का वाचक है जिसके बिना वो दस नहीं होंगे, नौ हो तो जाएंगे। सातवां उसको बोलेंगे जिसके बिना वो छह रह जाएंगे। सातों का नाम सात नहीं है, सप्तम नहीं है, सातवां उसको बोलते हैं। ये आप देखो, ये बात है ना, सात नहीं सातवां, दस नहीं दसवां, दसम पुरुष, दसम पुरुष। तो पूरण शब्द, पूरण कौन है? कहो दसवां पूरक है, उसके बिना दस हो गई नहीं। नवा पूरक है क्योंकि उसके बिना नौ हो गई नहीं। तो ये पर शब्द जो है ना, पर ये पूरक अर्थ में है, पूरक अर्थ में माने जिसके बिना अव्यक्त होगा ही नहीं उसको बोलेंगे पर। माने ये पर ही पूरण, पर ही अव्यक्त को पूर्ण बनाता है, उस पर से ही अव्यक्त में सत्ता आती है, उस पर से ही अव्यक्त में ज्ञान आता है, उस पर से ही अव्यक्त में आनंद आता है, उस पर के कारण ही अव्यक्त में क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति मालूम पड़ती है, उसका नाम हुआ पर। वो कौन है? वो पुरुष है। पुरुष किसको बोलते हैं? पूर्णत्वात्, पूर्णत्वात् पुरुषः, पुरुषयत्वाद् वा पुरुषः। ये पुर और उस माने बसना, वस का उस हो गया है, और पुर माने शरीर हो। ये इस शरीर में जो हृदय पुर है, उस हृदय पुरी में जो निवास करता है उसका नाम पुरुष। तो अव्यक्त को सत्ता किसने दी? अव्यक्त को बुद्धि किसने दी? ज्ञान किसने दिया? अव्यक्त में आनंद किसने भरा? बोले इस पुरुष ने, आत्मसत्ता ने। यदि ये हृदय में रहने वाला, ये जिसके लिए हम लोग मैं बोलते हैं, अपने लिए मैं और सामने वालों के लिए तुम और दूर वालों के लिए वह हैं, और अनजान के लिए यह हैं, जैसे बोलते हैं सामने ही होए अनजान, ये आदमी है ना, तुम वो और अपने लिए मैं। तो जो तुम्हारे शरीर में मेरे लिए तुम है और अपने लिए मैं है, और हमारे शरीर में मेरे लिए मैं है और तुम्हारे लिए तुम है, इस शरीर में जिसको तुम कहकर बोलते हो और मैं कहकर जिसको बोलता हूं, मेरी दृष्टि से उसका नाम मैं है और तुम्हारी दृष्टि से उसका नाम तुम है, और तुम्हारे शरीर में अपनी दृष्टि से जिसका नाम मैं है और हमारी दृष्टि से जिसका नाम तुम है, ये मैं और तुम दोनों एक ही चीज का नाम है, हो है ना, एक ही चीज का नाम मैं है, तुम है, ये है, वो है,
ये सर्वनाम, इसी से मैं और तुम को सर्वनाम बोला जाता है। ये सबके नाम है, सबके नाम होने से सर्वनाम है। तो ये जो पुरुष है यही संपूर्ण देशात्मक कालात्मक वस्तुवात्मक परिणाम शालिनी जो प्रकृति है उसका विवर्ती अधिष्ठान, यही मैं पद का अर्थ, यही तुम पद का अर्थ, यही यह पद का अर्थ है ना, यही मैं, यही आत्मा उस अव्यक्त प्रकृति का अधिष्ठान और प्रकाशक है। जो जगत कहीं कहीं परिच्छिन्न होकर के जीव भासता है, कभी दृश्य होकर जगत भासता है, जो कहीं सबका नियंता होकर ईश्वर भासता है, जो ईश्वर के रूप में, जीव के रूप में, जगत के रूप में, देश काल वस्तु के रूप में है ना, अनंत कोटि ब्रह्मांड के रूप में जो भास रहा है, वो किसमें भास रहा है, का तुम में, का किसको भास रहा है, का तुम को, का वो क्या है, का तुम है, ऐसा क्यों? तो समझाते हैं, व्यापको लिंग एवचो, ये व्यापक है और अलिंग भी है। अब व्यापक शब्द का अर्थ देखो, व्यापको लिंग एवचो, जो व्यापक है। अच्छा, जो आकाश में व्यापक होगा वो आकाश से छोटा होगा? जो आकाश में व्यापक होगा वो आकाश से छोटा होगा क्या? अच्छा, स्वप्न में जो आप मीलों लंबा आकाश देखते हैं, सपने में आपने कभी बंबई शहर देखा कि नहीं, कुंभ का मेला देखा कि नहीं है? कभी लड़ाई का मैदान देखा कि नहीं? तो जो मैदान आपको सपने में दिखता है वो आपके मन से छोटा है कि बड़ा है? वो आपके मन से छोटा है। मीलों लंबा मैदान जो है, देश का देश जो सपना में दिखता है, वो आपके मन से छोटा है। और वो मन आपसे छोटा है कि नहीं? मतलब ये हुआ कि देश की कल्पना तो मन में होती है, और उस मन के आप दृष्ट व्यापक की कल्पना, व्यापकता तो देखो, ऐसी कोई चीज नहीं है जो काल से व्याप्त न हो दुनिया में है? लेकिन सपने में 6 महीना हो गया और जागने पर 1 ही मिनट रहा, 5 ही मिनट रहा जागने पर। ये 1 मिनट इसलिए मैंने कहा कि मैंने पहले कभी किसी पुस्तक में पढ़ा था कि ये सपने जो हैं ये 4-5 सेकेंड से ज्यादा नहीं आते हैं, पर उनमें मालूम पड़ता है कि बरसों व्याप्त हो गया, बरसों बीत गया। ये जो लगता है ना कि हमको घंटे भर तक सपना आता रहा, 2 घंटे तक सपना आता रहा, वो काल भी सपने का ही होता है। सपने में ही कल्पना हो जाती है। जितनी देर नींद आई, घड़ी में देख लिया, 11 बजे सोए और 1 बजे उठे, बोले 2 घंटे तक मैं सपना देखता रहा। तो 2 घंटे तक सपना नहीं देखते रहे है ना, 2 घंटे में से 5 सेकेंड 4 सेकेंड सपना देखते रहे, और उतने में ही तुमने काल का जाल बिछाए करके बरसों का काल देख लिया, और देश का जाल बिछाए करके तुमने मीलों लंबा देश देख लिया, और उसी में वस्तुओं का और आदमियों का जाल बिछाए करके हजारों आदमी देख लिए। पर वो क्या सब आपके मन से बड़े हैं? वो आपके मन से बड़े नहीं हैं। और मन का देखो, उसमें दुश्मन का मन भी तुम्हारा ही मन था कि नहीं, और दोस्त का मन भी तुम्हारा ही मन था कि नहीं? हम वो हैं हो जो हिंदू के मन में हिंदू होकर काम कर रहा है, हमारा मन कौन सा? जो हिंदू के मन में हिंदू होके काम कर रहा है, और जो मुसलमान के मन में मुसलमान होके काम कर रहा है, वो हमारा मन है। सपने में एक आस्तिक है, वो ईश्वर को हाथ जोड़ रहा है, सिद्ध कर रहा है कि हे प्रभु आप ही सर्वस्व हो। एक नास्तिक है और बोल रहा है ईश्वर नाम की कोई चीज ही नहीं है। वो दोनों आदमी हमारे स्वप्न में हमारे मन से बने हुए हैं, और आस्तिक का मन भी हमारा मन है और नास्तिक का मन भी हमारा मन है, क्योंकि वहां आस्तिक नास्तिक तो आदमी नहीं है, हमारा मन ही दोनों आदमी बन के बैठा हुआ है। सोचो आपको इस प्रपंच में कहां राग द्वेष करने लायक है, जब अपने ही मन सब कुछ होकर के भास रहा है, है? तो मन की व्यापकता देखो, स्थान की व्यापकता देखो, काल की व्यापकता देखो, है ना, बीज की व्यापकता देखो,
और ये सब की सब व्यापकता जो है, आकाश की व्यापकता, देश की, काल की, वस्तु की, ज्ञान की, दृष्टि की व्यापकता, बुद्धि की व्यापकता, ये सब कहां है? कि जिसमें भासती है और जिसको भासती है, अपने में भासती है और अपने को भासती है, और अपने से जुदा बिल्कुल नहीं है। व्यापको लिंग एवचो, बोले ये परमात्मा, ये आत्मा, ये भी एक अनुमान ही है। किसी ने कहा कि ये भी एक अनुमान है, बोले नहीं, अनुमान दूसरे के बारे में होता है, अपने बारे में नहीं होता। ये अनुमान की पद्धति यही है। ईश्वर अनुमान से सिद्ध होता है तो वो भीतर वाला ईश्वर अनुमान से सिद्ध नहीं होता, कोई बाहर जो ईश्वर है सो अनुमान से सिद्ध होता है, कब बाहर की प्रकृति अनुमान से सिद्ध होती है। अच्छा, हमारे आंख है, ये बात अनुमान से सिद्ध हो रही है कि प्रत्यक्ष हो रही है? आप बताओ, हम देखते हैं लोगों को, क्योंकि लोगों को हम देख रहे हैं इसलिए हमारे आंख है, ऐसे कि नहीं? अनुमान बिल्कुल गलत है, हैं? हम देख रहे हैं, है ना, इसलिए यहां लोग हैं, हम लोगों को देख रहे हैं इसलिए हमारे आंख है, अनुमान का रूप ये नहीं है, है ना? हम लोगों को देख रहे हैं इसलिए हमारे आंख है, बोले नहीं, हम देख रहे हैं इसलिए लोग यहां हैं। दृष्टा जो है, दृष्टा वो हम जान रहे हैं इसलिए लोगों का अस्तित्व सिद्ध होता है। अस्तित्व हमारे लिए सिद्ध हो रहा है, अस्तित्व दूसरे के लिए सिद्ध थोड़ा ही हो रहा है। जिसके लिए अस्तित्व सिद्ध हो रहा है, दूसरों का सिद्ध हो रहा है, अपने लिए? अपना अस्तित्व सिद्ध होने पर ही हम आंख से देखते हैं, अपना अस्तित्व सिद्ध होने पर ही हम दूसरों को देखते हैं, अपना अस्तित्व सिद्ध न हो तो कैसे देखेंगे? तो बोले कि देखो भाई, ये बुद्धि किसी की है, सुख दुख आदि किसी को होते हैं, क्योंकि ये भी गुण हैं, तो जैसे रूप किसी द्रव्य में होता है वैसे ये बुद्धि सुख आदि भी किसी द्रव्य में है, ऐसा नैयायिक वैशेषिक लोग अनुमान करते हैं। अरे बाबा, सिद्ध साधन क्यों करते हो, है ना? जो स्वयं पहले से ही सिद्ध, जो दूसरे द्रव्य का होना, दूसरे गुण का होना, बुद्धि सुख दुख आदि का होना, ये सब जिसके होने पर सिद्ध होता है, वो पहले है कि बुद्धि आदि पहले हैं? तो इसके लिए बोले कि देखो, बुद्धि का होना और न होना हम दोनों जानते हैं, मन का होना न होना दोनों जानते हैं, आंख का होना न होना दोनों जानते हैं, ऐसे वेदांत के ग्रंथों में इस तरह से इसका निरूपण है। बहुत बढ़िया। रूपम दृश्यम, संसार के सब रूप मालूम पड़ते हैं। लोचनम दृक, इंद्रियां देखती हैं। दृग दृश्यम, दृक तो मानसम, इंद्रियां मालूम पड़ती हैं और मन को मालूम पड़ते हैं, और मन में अनेक वृत्तियां आती हैं, तो अनेकों वृत्तियां मालूम पड़ती हैं और एक आत्मा को ज्ञात होते हैं। तो जितने भी भेद हैं वो सब वृत्तियों में मालूम पड़ते हैं, देश के, काल के, वस्तु के, और वृत्तियां का हमको मालूम पड़ती हैं। वृत्तियों के बिना हम हैं और हमारे बिना वृत्तियां नहीं हैं। वृत्तियों का न होना भी बिना हमारे सिद्ध नहीं हो सकता। ऐसी स्थिति में वृत्ति जो लंबाई चौड़ाई की कल्पना करती है, वो मुझ अधिष्ठान में मुझसे सिद्ध होकर के वृत्ति और लंबाई चौड़ाई की कल्पना करती है, मुझसे सिद्ध होकर वृत्ति भूत भविष्य की कल्पना करती है, मुझसे सिद्ध होकर के वस्तुएं अनेक रूप दिखाई पड़ती हैं, इंद्रियां बनती हैं, देह बनती हैं, अंतकरण बनती हैं, कब कब पहले मुझसे सिद्ध होकर के, यही जिस मुझसे सिद्ध होती हैं, ये मैं देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न, सजातीय विजातीय स्वगत भेद से रहित, सत्यं ज्ञानम अनंताम ब्रह्म है, इसी को वेदांत वाक्य तत्वमस्यादि महावाक्य के द्वारा बताते हैं। वो कल पढ़ रहा था, कोई बात देखनी थी, वो भामतिकार और विवरणकार का जो मतभेद है उसका थोड़ा देखता, तो उसमें
विवरणकार का मत है कि कर्म से कर्म आदमी करता जाए करता जाए करता जाए तो अंत तक कोई द्वार बना लो ज्ञान होगा अपने पवित्र कर्म जो हैं वर्णाश्रम धर्म के कर्म। तो भामतिकार ने एक कटाक्ष किया उस पर, बोले भाई ज्ञान तो प्रमाण से होता है, नियम यही है। जैसे आंख से रूप का ज्ञान होता है, कान से शब्द का ज्ञान होता है, तो प्रत्यक्ष प्रमाण से विषयों का ज्ञान होता है, और जिनके संबंध का ग्रहण होता है उनके बारे में अनुमान प्रमाण से ज्ञान होता है, और कुछ जो देखी हुई चीजें हैं वो सदृशो गवया, कुछ का ज्ञान उपमान प्रमाण से होता है, कुछ का ज्ञान अर्थापत्ति से होता है, कुछ का अनुपलब्धि से होता है, और इन सबसे जिसका ज्ञान नहीं होता उनका शब्द से ज्ञान होता है, और शब्द में भी लौकिक शब्द से जिसका ज्ञान नहीं होता उस पदार्थ का वैदिक शब्द से ज्ञान होता है। शब्द भी प्रमाण है, किसी को कोई चीज न मालूम हो तो बता देंगे तो मालूम पड़ जाएगी है। लेकिन तुम ये बताओ कि इन प्रमाणों में से, छहों प्रमाणों में से कर्म कौन सा प्रमाण है? प्रमाण से ज्ञान होगा कि कर्म से ज्ञान होगा है ये प्रश्न। कर्म इन छहों प्रमाणों में से कोई प्रमाण है क्या? उपासना तो जानी हुई बात को अपने मन में पक्का करना है, और जोग जो है ये पक्का करना कोई प्रमाण है? अच्छा जोग जो है वो तो वृत्ति का निरोध है, तो निरोध क्या कोई प्रमिति का करण है? यथार्थ ज्ञान का कोई औजार है निरोध, या अपने मनोवृत्ति को गाढ़ी बना देना, वो गाढ़ी मनोवृत्ति जैसा संस्कार डाल के गाढ़ी करोगे वो चीज दिखावेगी कि तत्व को दिखावेगी है? और विषयों को देखने के लिए प्रमाण है ये आंख कान नाक आदि। ये कर्म कौन सा प्रमाण है जिससे तुम ब्रह्म का ज्ञान मानते हो, है ना? किसी ने कहा कि ब्रह्म ज्ञान कर्म से होता है, तो भामतिकार ने ये प्रश्न उठाया है कि कर्म कौन सा प्रमाण है? प्रत्यक्ष है कि अनुमान है कि उपमान है, कि अर्थापत्ति है कि अनुपलब्धि है, कि ऐतिह्य है कि संभव है, है कि संकेत है, ये कौन सा प्रमाण है? बोले कर्म तो प्रमाण नहीं है, प्रमाण तो औजार होता है जो अपने साथ रहता है, उस औजार से किसी चीज को हम देखते हैं और जानते हैं। कर्म निर्माण है, निर्माण करना हो और ये पुस्तक बंद करनी हो तो दोनों हाथ से उसको बंद कर देंगे। कर्म से क्या हुआ कि जो खुला था सो बंद हो गया, जो बंद है सो खुला हो जाएगा। लेकिन कर्म जो है वो कर्म से रूप दिखेगा, कर्म से रूप नहीं दिखेगा, आंख से रूप दिखेगा। पांव आप कर्म करके आपको कहीं पहुंचा देंगे, लेकिन रूप देखने का काम तो आंख ही करेगी ना। का हाथ जो है वो भोजन को जिब्बा पर डाल देंगे, लेकिन वो रस क्या है उसमें इसका ज्ञान तो जिब्बा को ही होगा ना। तो कर्म में करणत्व कहां है ये प्रश्न उठाया, कर्म में करणत्व कहां है? प्रमिति करणत्व, प्रमा करणत्व, ये यथार्थ ज्ञान का करण कर्म है क्या? यथार्थ ज्ञान का जो करण होता है उसको प्रमाण बोलते हैं। तो निर्माण विभाग में कर्म उपयोगी है और ज्ञान में प्रमाण उपयोगी है, ज्ञान प्रमाण है, और प्रमाणों की सिद्धि अपने आप से होती है। तो अपने आप की सिद्धि के लिए प्रमाण की जरूरत नहीं है, ये बात समझना पड़ेगा। हो अपने आप की सिद्धि के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, तो नेति नेति के द्वारा संपूर्ण प्रमाणों का निषेध कर दो। अब बोलो मैं कौन हूं, है ना? देखो आंख कान नाक जीभ से तो अपना आपा मालूम नहीं पड़ेगा, मन बुद्धि से अपना आपा मालूम नहीं पड़ेगा, मैं कौन हूं? बोले देश से मालूम पड़ेगा कि मैं कितना लंबा चौड़ा हूं। बोले देश तो मन से मालूम पड़ता है, वो प्रमाण कहां है? देश की कल्पना तो मन में है। अच्छा तो मैं अविनाशी हूं कि विनाशी हूं ये बात बुद्धि से मालूम पड़ेगी? बोले कि ये तो बुद्धि जो है वो काल को जान सकती है, परंतु मैं तो बुद्धि को जानता हूं, बुद्धि मुझको कहां जाने, तो मैं अविनाशी।
विनाश मुझे छू नहीं सकता, देश की परिच्छिन्नता मुझे छू नहीं सकती, वस्तुओं का भेद मुझे छू नहीं सकते। इसका अर्थ हुआ कि मैं देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न अनंत अद्वय सजातीय विजातीय स्वगत भेद शून्य का परमात्मा ब्रह्म साक्षात ब्रह्म, ये उपनिषद का सिद्धांत है। सो बोले पुरुष परः अव्यक्तात् पुरुष परः, अव्यक्त से परे ये पुरुष है, अव्यक्तात् तो परः पुरुषः व्यापको लिंग है वच। बोले इसको जानने का फायदा क्या है, जिसके जानने का फायदा है जम मुच्यं ज्ञात्वा मुच्यते जंतुः, ये जंतु हो गया ना, आदमी कैसा हो गया, जंतु हो गया, जंतु माने जनावर जानवर तो जनावर देहाती बोलिए वो बस जैसे कीड़े जन्मते हैं और मरते हैं और जन्मते हैं और मरते हैं, जंतु प्राय हो गया, केवल जन्मना मरना ही इसके साथ रहा, और अपने को ब्रह्म जान लिया तो कि जन्मना मरना छूट गया। मुच्यते जंतु, देश काल वस्तु के बंधन से छूट गए और अमृतत्वं च गच्छति, अपने सिद्ध अमृतत्व का साक्षात्कार हो गया। इसलिए इससे बढ़िया, इससे बढ़िया अपने अमृतत्व, अपना अमृतत्व पहले से है, केवल न जानने से वो छिपा हुआ है, और जानने मात्र से ही मृत्यु का भ्रम दूर हो जाता है। ये वेदांत का सिद्धांत है। अच्छा।